है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर आपको देश भर के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर। एग्जाम पैटर्न बदल गया है। जी हाँ, जरूरी जानकारी है इस खबर में, देखिए ध्यान से। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर निकल गई। इस वक्त की सामने आ रही है बोर्ड परीक्षा 2023 के छात्रों से जुड़ी। जी हाँ, 2023 को लेकर सरकार की तरफ से अभी भी कर दी गई एक बहुत ही बड़ा ऐलान और बोर्ड परीक्षा 2023 में एक बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी गई और सबसे बड़ा बदलाव कर दी गई और वो सभी चतुर्थ में किए गए। इसको जानकर काफी सारे छात्रों के चेहरे पर है मुस्कान आ जाने वाली है। जी हाँ, उसी को बता दें, सरकार काफी लंबे वक्त से कई सारे अहम बदलाव कर रही है और हर साल ये बदलाव होते जा रहे हैं, जिसमें आज सबसे महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिसके हम आपको संपूर्ण जानकारी आपको स्टूडियो विद्रो के साथ में देने वाले हैं। तो स्टूडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, साथ ही आप कौन से राज्य और कौन से बोर्ड से हो, आपके बोर्ड का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि आपके बोर्ड से जुड़ी जब भी कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आप तो पहुंच जाएगी। देखिए हमारी छोटी सी रिपोर्ट में बहुत ही बड़ी खबर। आप सभी को ज्ञात रहेगी, पिछले कई सालों से यानी 2 सालों से बच्चों की पढ़ाई बहुत ही ज्यादा बाधित हुई है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई सारे अहम बदलाव किए हैं इन 2 सालों में और अब फिर से 2023 में कोरोना वायरस का कहर कम हो गया है। इसी के चलते सरकार ने बदलाव करने भी शुरू कर दिए। इसी बीच सरकार ने आज एक बहुत ही बड़ा फैसला लिख किया है, जिसमें काफी सारे छात्रों को बहुत ही बड़ी राहत मिलने वाली, हालांकि जो 2 सालों में नहीं किया गया वो इस बार 3रे साल में किया जा रहा है सरकार की तरफ से। और ये सभी राज्य के बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर निकल के सामने। यदि आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या फिर अन्य किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, तमाम छात्रों के लिए सबसे बड़ा फैसला लिया है, केवल एक राज्य या फिर एक बोर्ड का नहीं है। जी आप सभी को बता दें, सरकार ने इस बार कहा है, आप सभी को यह तो ज्ञात होगा कि 70% पाठ्यक्रम में से ही आपका जो है वो पेपर बनने जा रहा है, लेकिन इसी बीच सरकार ने यह कह दिया कि इस बार आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसमें से ही आपका पेपर बनेगा, उसके अलावा कोई भी नहीं आएगा। और यदि उससे बाहर, सिलेबस से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसका आपको बोनस नंबर दिया जाएगा। ये सरकार ने सबसे बड़ी घोषणा कर दी। इसके अलावा एक और बड़ी घोषणा की है, जिसमें सरकार ने कहा कि इस बार आपके ऑब्जेक्ट क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा कर दी जाएगी। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि कितने प्रतिशत ऑब्जेक्ट क्वेश्चनों को बढ़ाया जाएगा, लेकिन सरकार ने फाइनल कर दिया, सभी राज्यों में इस बार ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है वो अनिवार्य कर दिए गए और फाइनल जो एग्जाम होगा उसमें ऑब्जेक्ट क्वेश्चन का काफी ज्यादा महत्व होगा और इससे छात्रों को भी बहुत ही बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार का ये भी कहना है कि इस बार फरवरी माह के अंदर आप सभी की परीक्षाएं आयोजित करा ली जाएगी, क्योंकि इस बार है सरकार को ये डर है कि मार्च के अंदर कोरोना वायरस का कहर फिर से न आ जाए, क्योंकि मार्च के अंदर ही सबसे ज्यादा केस बढ़ते हैं। उसी भी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कहा इस बार फरवरी माह के अंदर आपका एग्जाम संपन्न करवा लिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना है, तमाम अपडेट के लिए बने रहिए शिक्षा ज्ञान के।